हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू बुकवॉर्म्स ऑफ एसएससी चैनल। स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं 13 मार्च को जीके के क्वेश्चंस जो कि सीएचएसएल एग्जाम में पूछे गए हैं। सो स्टूडेंट्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर गौतम बुद्ध गेव इट्स फर्स्ट स्पीच। गौतम बुद्ध ने अपनी पहली स्पीच कहां दी थी? तो स्टूडेंट्स गौतम बुद्ध द्वारा पहली स्पीच दी गई थी सारनाथ के अंदर, जिसे का नाम दिया गया था धर्म चक्र परिवर्तन। याद रखिएगा गौतम बुद्ध के ऊपर काफी क्वेश्चंस पहले भी आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं सीएचएसएल एग्जाम के अंदर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था रुक्मणी देवी अरुंधेला इज रिलेटेड टू। तो स्टूडेंट्स रुक्मणी देवी अरुंधेला रिलेटेड है भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम की एक बहुत ही फेमस डांसर है रुक्मणी देवी। याद रखिएगा फेमस पर्सनालिटी से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था लाइन ऑफ कैप्रिकॉन इनमें से किस में से पास नहीं होती है। यहां पर मैंने क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया है जहां पर वो पास होती है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि वो कहां से पास होती है, तभी आप आंसर दे पाएंगे कि वो कहां से पास नहीं होती है। तो यहां आप देख सकते हैं चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोस्टवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, पोलिगेनिया, क्लिबिनिया, न्यू एंड फिजी एंड टोंग और कुक आइलैंड्स फ्रॉम द लैंडफिल ऑफ पैट्रिकॉन। ये है जगह जहां से कैप्रिकॉन पास होती है और बाकी जो प्लेसेस होंगे वहां से नहीं पास होती। तो याद रखिएगा टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और टॉपिक ऑफ कैंसर कहां कहां से पास होती है और इक्वेटर लाइन कहां से पास होती है, इसका भी ध्यान रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसके अंदर पूछा गया था एनीमोमीटर किस लिए यूज होता है। स्टूडेंट्स एनीमोमीटर यूज होता है स्पीड ऑफ विंड को नापने के लिए, मतलब जो गति होती है वायु की उसको नापने के लिए एनीमोमीटर यूज करते हैं हम लोग। तो इंस्ट्रूमेंट्स का भी खासा ध्यान रखिएगा, इंस्ट्रूमेंट्स भी पूछे जा रहे हैं। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया वर्कर एंड पीजेंट पार्टी कलकत्ता जब 1928 में था तो उसका प्रेसिडेंट कौन था। तो ऑल इंडिया वर्कर एंड पीजेंट पार्टी का जो हेड थे प्रेसिडेंट थे उस समय नरेश चंद्र सेन गुप्ता थे। ये थी 1928 कलकत्ता के अंदर प्रेसिडेंट थे नरेश चंद्र गुप्ता। याद रखिएगा नरेश चंद्र सेन गुप्ता। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है। तो स्टूडेंट्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है चाइना शंघाई के अंदर। शंघाई में हेडक्वार्टर है न्यू डेवलपमेंट बैंक का। बाकी हेडक्वार्टर भी याद रखिएगा जैसे कि ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहां पर है। इसके बाद कई यूएन के कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसका हेडक्वार्टर याद रखने की बहुत जरूरी है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, यूनिसेफ, यूनेस्को, इन सबके हेडक्वार्टर को याद रखिएगा क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम्स में ये पूछे जा सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पूछा गया था मेंटर कौन है इंडिया प्रोग्राम का। सो स्टूडेंट्स इंडियन प्रोग्राम के मेंटर हैंगे नीति आयोग के। नीति आयोग मेंटर होता है इंडियन मेंटर प्रोग्राम का और उसके जो वाइस चेयरमैन है वो है डब्ल्यू सी राजीव कुमार। याद रखिएगा वी सी राजीव कुमार नाम है इनका। और नीति आयोग के जो हेड होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, यानी कि नरेंद्र सिंह मोदी हैं नीति आयोग के हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछा गया था सिनेप्स का मतलब क्या होता है। तो स्टूडेंट्स सिनेप्स इज अ जंक्शन बिटवीन टू नर्व सेल्स कंसिस्टिंग ऑफ अ मिनट गैप अक्रॉस विच इंपल्सिस पास बाय डिफ्यूजन ऑफ न्यूट्रो ट्रांसमीटर। याद रखिएगा ये एक ज्वाइंट जंक्शन होता है दो नर्व सेल्स के बीच में, जिसके अंदर एक मिड गैप होता है जिसमें इंपल्स पास होती है डिफ्यूजन के थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू। याद रखिएगा सिनेप्स की मीनिंग आई थी बायो का क्वेश्चन है, ये बायो से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आगे आने वाले एग्जाम्स में। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आया था CO2 क्यों रिलीज करता है फोटो मतलब प्लांट्स ड्यूरिंग नाइट। सो स्टूडेंट्स फोटोसिंथेसिस के दौरान जो प्रोसेस होता है वो सिंपल आपको पता होगा कि इनटेक होता है कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन बाहर निकलता है, लेकिन ये प्रोसेस रात में उल्टा हो जाता है डेजर्ट प्लांट के अंदर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रात के वक्त खाना नहीं बनाते हैं पौधे और जो एक्सेसिव CO2 होती है वो रिलीज कर देते हैं डेजर्ट प्लांट। तो यही कारण रहता है कि जो एक्सेसिव CO2 होती है वो डेजर्ट प्लांट रिलीज करते हैं। सो स्टूडेंट्स ये थे वो क्वेश्चंस जो आज की शीट में पूछे गए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल बुकवॉर्म्स ऑफ एसएससी को। गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।